गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पे मैं आपसे शेयर करती हूँ लाइफ से रिलेटेड लगभग हर टॉपिक पे वीडियोस। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अंजलि बिष्ट सामंत। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो की। वेल, फेस्टिवल सीजन चल रहा है और नेक्स्ट वीक में है दिवाली, तो शॉपिंग तो बनती ही है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम हर एक ओकेजन के लिए अपने लिए कॉस्टली ड्रेस खरीद पाए? वेल, मान लो कि हमने कॉस्टली ड्रेस खरीद भी लिया, लेकिन सोशल मीडिया, ओ माय गॉड, आजकल अगर आपने कोई भी ओकेजन पे एक ड्रेस पहन के उसका पिक अपलोड कर दिया तो आप नेक्स्ट टाइम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। और बाय चांस अगर आपने गलती से ऐसा कर भी दिया तो लगता है कि जैसे कोई क्राइम ही कर दिया। लोग सामने से आके बोलते हैं कि वही ड्रेस है ना जो तूने लास्ट पार्टी में भी पहना था, या फिर ओ ये ड्रेस तो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, तो उसकी पिक्स अपलोड कर चुकी है। तो 2 या 3 हज़ार का ड्रेस परचेज करके और उसे सिर्फ 1 या 2 ओकेजन में पहनने के बाद अलमीरा में बंद कर देना, आई डोंट थिंक कि कोई भी समझदारी वाली बात है। तो यस गाइस, मैंने अमेजोन पे देखी थी कुछ सस्ता लहंगा कम स्कर्ट्स, तो मैं बहुत टाइम से क्यूरियस थी कि इतने कम अमाउंट में जो ये पिक्चर्स में इतने अच्छे और इतने स्टाइलिश स्कर्ट्स लग रहे हैं, कि रियली में ये वर्थ है? तो यस, मैंने शॉपिंग की है अमेजोन से कुछ लहंगा एंड स्कर्ट्स की। तो मैंने टोटल 3 स्कर्ट्स विथ टॉप ऑर्डर की है। तो यस, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी उनका रिव्यू। तो चलिए देखते हैं कितने वर्थ है ये सस्ते लहंगा कम स्कर्ट। तो ये है वो लहंगा कम स्कर्ट जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की है, टोटल 3 मैंने ऑर्डर की है। तो एक ये है, वाइट पे प्रिंट है, बहुत ब्यूटीफुल मुझे इसका प्रिंट लगा था, एंड एक ब्लू एंड ब्लैक, और एक ये वाला। तो मैं इन्हें एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इनको दिखाने से पहले मैं बता दूं आपको कि इन तीनों की कॉस्ट की 400 रुपीज का एक लहंगा कम स्कर्ट विथ ब्लाउज पीस। तो ये जो लहंगा है ये सेमी स्टिच है, जो स्कर्ट है ये सेमी स्टिच है और इसके साथ ब्लाउज पीस है। तो पहले मैं ये तीनों आपको अमेजोन पे दिखा देती हूँ कि वहां पर कैसे लग रहे हैं। चलिए अब इसको सबसे पहले ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये सेमी स्टिच है और ये कपड़ा है सैटन का और शाइनिंग वाला कपड़ा है, तो अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं है, थोड़ा लाइट वेटेड है और ये इस तरह से सेमी स्टिच्ड है। आप अपने अकॉर्डिंग इसका वेस्ट साइज एडजस्ट करवा सकते हैं। ट्रांजी है थोड़ा, तो इसके अंदर आपको लाइनिंग लगवाना पड़ेगा। लेंथ इसकी अच्छी है एंड इसका जो प्रिंट है, इसका डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये इस तरह से है, ये ऑफ वाइट कलर का है, इसके साथ ऑफ वाइट कलर का ये ब्लाउज पीस है और बाकी के भी इसी तरीके से हैं, जैसे कि ये ब्लैक है, कपड़ा सेम है एंड इसमें ब्लैक ब्लाउज है एंड दिस इज वाइट एंड डार्क पिंक कलर का है ये वाला, और इसके अंदर व्हाइट कलर का ब्लाउज पीस है। तो मैं इन सब का 1 by 1 आपको डेमो दे देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस ड्रेस से। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ये स्कर्ट, और ऐसा नहीं है कि पिक्चर पे बहुत ज्यादा इसका घेर दिखाया था और एक्चुअल में कम है। जितना पिक्चर में दिखाया था उतना ही मुझे इसका घेर लग रहा है, और बहुत ज्यादा घेर तो नहीं है, जस्ट एक सिंपल ए लाइन का घेर है। और ये सेमी स्टिच्ड है, साइड से अभी ओपन है, इसको आपको स्टिच कराना पड़ेगा और कपड़ा भी ट्रांसपेरेंट है तो उसके अंदर आपको लाइनिंग लगवानी पड़ेगी। तो अभी तो मैंने इसे पहना है अपने क्रॉप टॉप के साथ, लेकिन इसका जो एक्चुअल में ब्लाउज है वो है सेम ऑफ वाइट कलर का। तो वो मैं एक बार आपको लगा के दिखा देती हूँ कि कैसा लगेगा जब आप इसका ब्लाउज स्टिच करा देंगे, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा गाइस। तो ये ऑल ओवर जब इस टाइप में पूरा ऑफ वाइट कलर में आएगा तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है मुझे ये पूरा का पूरा ड्रेस। चलिए अब देख लेते हैं स्कर्ट नंबर 2। तो ये स्कर्ट भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, ब्लैक कलर की बेस में ब्लू कलर के फ्लावर्स दिए गए हैं।
लेकिन हाँ, इसकी पिक्चर में जो इसका घेर दिखाया था वो काफ़ी ज़्यादा दिखाया था, बट वैसा घेर है नहीं। मेरी लास्ट स्कर्ट के जैसा ही घेर है, इसमें भी सिंपल ए लाइन का घेर है और इसके साथ में ब्लैक कलर का टॉप दिया हुआ है जिसको आप स्टिच करा सकते हैं बाद में अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, और ये कुछ ऐसा लगेगा। Now move on to third one. तो ये है पिंक एंड वाइट कलर के कलर कॉम्बिनेशन में, और वाइट पे पिंक बहुत ही ज़्यादा खेल के आ रहा है। इसका जो प्रिंट है वो थोड़ा ज़्यादा फ्लावर्स इसमें भरे भरे से हैं, और घेर इसका भी सेम लास्ट टू स्कर्ट्स की तरह ही है और ट्रांसपेरेंट है। थोड़ा पतला है कपड़ा तो आपको लाइनिंग लगानी पड़ेगी, बट हाँ अच्छा लग रहा है ये भी। और इसका जो ब्लाउज़ है वो वाइट कलर का बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर जब आप इसको स्टिच कराएंगे तो वाइट अपर, वाइट आपका टॉप एंड नीचे बेस पे वाइट कलर पे पिंक कलर के फ्लावर्स, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी मुझे। तो यस गाइस, ये था मेरा आज का सस्ता स्कर्ट कम लहंगा रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो सीरियसली गाइस, मुझे तो वर्थ लगा, क्योंकि 400 रुपए में जहां पर एक नॉर्मल सा सिंपल सा टॉप भी नहीं आता, उसमें आपको एक पूरा लेंथ का स्कर्ट एंड विथ टॉप मिल रहा है। एंड आपका जो फेस्टिवल सीजन है, लाइक दिवाली है, भाई दूज है, या फिर कोई छोटा मोटा फंक्शन है घर पे, या कोई छोटी मोटी सी पार्टी है, तो डेफिनेटली आप यहाँ ये वहाँ पर पहन सकते हैं, और 400 रुपए में आपके एक या दो ओकेजन तो आराम से निकल जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि आपको 2 या 3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने की जरूरत है हर बार एक एक्सपेंसिव ड्रेस लेने में। तो यस, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा घेर नहीं है, बट एक ए लाइन का घेर मिल रहा है आपको विद स्टाइलिश। आप उसके साथ कोई भी स्टाइल का अपने पसंद का ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं। तो यस, इसको पहन के मेरा लुक कैसा लगेगा वो आप मेरे दिवाली के व्लॉग में देख सकते हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसका पूरा प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होने के बाद ये कैसा लगता है। तो यस, मैंने अपने दिवाली के लिए ये वाला चूज किया है, तो मैं दिवाली पे ये वाला पहनने वाली, क्योंकि मुझे इसका जो डिजाइन है, इसका नीचे का प्रिंट वो बहुत अच्छा लगा है। तो यस, आप मेरा दिवाली का व्लॉग जरूर देखना गाइज, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एंड एक न्यू यूजफुल रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।